नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से भरवा कचौड़ी, जो मिक्स वेजिटेबल से भरवा कचौड़ी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। इस तरह से मैंने आलू इस तरह से छील लिए हैं और उन्हें कद्दूकस कर लिया। इसे हल्का सा मोटा मोटा ही कद्दूकस किया है। एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्च डाली। उनके हल्के से पक जाने पर प्याज डाल दिया। प्याज भी बीज हमने ज़्यादा नहीं भुना है, केवल हल्का सा ही भुना है। और इसमें बारीक कटी हुई सब्जियाँ डाल दी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और बनने में बहुत ही आसान, कभी एकदम से अचानक से मेहमान आ जाए और आपको कुछ बनाने में ना सूझे तो इस तरह से ये रेसिपी बना के तैयार कर लीजिए। इस तरह से इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग केचप डाला है और कुछ स्वीट कॉर्न डाल दिए है। आपके पास ना हो तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें नमक हम सबसे बाद में डालेंगे, जिससे हमारी सब्जियों का पानी ना निकले। इस तरह से अब इसे हम निकाल लेंगे। सब्जियों को हमने बहुत कम पकाए हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने जो कद्दूकस आलू किया है वो डाल देंगे और कुछ टमाटर और पत्ता गोभी जो हमारे पास थी वो भी डाल देंगे। इसमें छोटी चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच के लगभग तेल डाल देंगे। इन चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। अब 1 कप के लगभग हमारे पास कद्दूकस किए हुए आलू थे, तो 1/2 कप के लगभग हमने सूजी ली है और इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें डाल के इस तरह से इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। जिससे हमारे आलूओं का हल्का सा पानी भी सूख जाएगा और भुना भी जाएंगे। अब इसमें हम 1/2 कप सूजी ली थी तो 1 कप के लगभग पानी डालेंगे, जिससे ये सूजी अच्छे से पक भी जाएगी, हमारे आलू भी पक जाएंगे और ज़्यादा इसे गीला नहीं करेंगे। और नहीं तो ये बनने में एकदम अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेंगे, जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से इसे 2 मिनट ढक के रख देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से ये बनके तैयार हुआ है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को एक साथ इस तरह से, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से इन्हें इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसके कुछ हम इस तरह से सिंपल से नाश्ते बनाएंगे, जो ये भी बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। इसे भी आप बना सकते हैं और नहीं तो फिलिंग भर के इसमें आप मिक्स वेजिटेबल कचौड़ियाँ भी बना सकते हैं। अगर आप सब्जियों वाला नहीं बनाना चाहते हो तो इस तरह से भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। अब एक छोटी सी लोई लेके हम उसे हाथ पे इस तरह से चपटा करते हुए, जो हमने फिलिंग बना के रखी है उसमें भर देंगे। और इस तरह से जैसे हम कचौड़ियाँ भरते हैं, इस तरह से इन्हें भर के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनने वाली। एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार बनाएंगे, बार बार इसे बनाने की इच्छा करेंगे। बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी और हेल्दी भी है। इसमें हमने सब्जियों का यूज़ किया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी रेसिपी। सभी नाश्ते हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें हम तेल के गरम हो जाने पर सभी नाश्तों को डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे धीमी सी आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे तलेंगे। बीच में थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम कर दें। इसे थोड़ा धीमी आंच पे तलेंगे तो ये क्रिस्प भी होंगे और अंदर से अच्छे से तला भी जाएंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से हमने इसे बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितनी आसानी से बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने जो फिलिंग वाले नाश्ते बना के रखे हैं वो डाल देंगे। जो फिलिंग वाली कचौड़ी बना के रखी है
वो डाल देंगे और इन्हें भी उलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक तल लेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाला टेस्टी नाश्ता, हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी है। बच्चे तो रोज़ बनवा के खाएंगे, इतनी टेस्टी रेसिपी है और इसे हम बच्चों को रोज़ बना के भी दे सकते हैं। कितनी आसान और टेस्टी रेसिपी।